नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आखिर किसके सह पर चल रही है गौ तस्करी का धंधा। गुमला जिले में गाय, बैल, भैंस का तस्करी का मामला सामने आया है। गुमला में 5 मार्च रात्रि 2 बजे गुमला से 30 किलोमीटर दूर रायडी प्रखंड सुरसांग थाना क्षेत्र के कोंडरा पंचायत में लगभग 300 की संख्या में गाय भैंस की तस्करी को गुमला के बजरंग दल ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा। मवेशियों के पकड़ने के दौरान 4 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें से 2 व्यक्ति बयान देने के बाद भागने में सफल रहे और 2 अभी भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कब्जे में हैं। मालूम हो कि गुमला में गौ तस्करी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर किसके सह पर गौ तस्करी का धंधा खुलेआम चल रहा है और तस्करों का मनोबल इतना ऊंचा कैसे हो गया है। एफआईआर करेंगे, आवेदन मिलेगा, एफआईआर करके जेल भेजेंगे और जितना भी गाय है उतना तो रखने की अभी साधन नहीं है तो जिमा पर लगाएंगे किसी। सब तो नहीं होना चाहिए कभी भी जी, ये सब होना नहीं चाहिए जी, लेकिन ये होता है तो गलत होती है। और हम लोग जो हैं सो ये रात में होता है और ये काफ़ी उग्रवाद क्षेत्र है, समझे ना, तो उग्रवाद क्षेत्र है तो अब रात में मैंने हम लोग तो उतना नहीं करते हैं फोर्स लेकर के, लेकिन ये सब आज के बाद हम वादा करते हैं कि नहीं चलना चाहिए और न चलेगा जी। आप लोगों का भी, जनता का भी सहयोग चाहिए इसमें जी, जी इसका बंद करने के लिए। आप कहाँ से लेके आ रहे थे इतने मवेशी को? सिकाजोर उड़ीसा। और कहाँ ले जा रहे थे? कांगर टोली। और इस कार्य के सरगना कौन है? सिराज खान और हरसारूफ। ग्रामीणों ने बताया कि सिमडेगा के एक जंगल में गाय को लाकर इकट्ठा किया जाता है, जहां से पगडंडी के रास्ते होकर रायडी मांझा टोली लाया जाता है और मांझा टोली से गुप्त रास्ता से लोहरदगा के बाद बंगाल भेज दिया जाता है। हमारे भारत देश के लिए तो गौ माता माता के समान है, इसीलिए इसका तस्करी नहीं होना चाहिए, इसका बंद होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि गुमला जिले में गौ तस्करी बंद हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।